इंडियन नेवी के अपने दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2030 तक बिल्ड और कमीशन करने का प्लान फिर से पोस्टपोन हो गया है। इसका कारण डिक्लाइनिंग बजट्स, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स और सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस प्रोग्राम को अप्रूव करने में डिलेस हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन से लेकर 70,000 टन कैटेगरी वाला फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसका नाम INS विशाल रखा जाएगा। ये 50 से 60 फिक्स्ड और रोटरी विंग प्लेटफॉर्म्स को कैरी कर सकेगा। ये 30 नॉट की स्पीड से ट्रैवल कर सकेगा और इसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट $11.65 से लेकर $13 बिलियन तक है। ये इंडियन नेवी के मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा है। इसे सबसे पहले 2005 में अनाउंस किया गया था और इसे बाद में 2027 तक 15 सालों के प्लान पर अपडेट किया गया था। मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान में इंडियन नेवी 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स फील्ड करेगी। 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स में 2 को डिप्लॉय किया जाएगा और 1 को रिजर्व में रखा जाएगा। INS विशाल एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर होगा और इसमें अमेरिकन EMALS सिस्टम भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।